पवन सिंह दिए जरूरी सूचना। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आज से मतदान लगभग 19-20 दिन बचा हुआ है, यानी बहुत ही कम समय बचा हुआ है और सभी उम्मीदवार लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और लगभग सभी उम्मीदवार लोगों का नामांकन भी हो चुका है। कुछ लोगों का बाकी है जो कि कल या परसों में कम्प्लीट हो जाएगा, जिसमें से कल पवन सिंह का नामांकन होने वाला है। कब और कितने बजे होने वाला है, चलिए आप सभी को अपडेट दे देना चाहता हूँ। पवन सिंह का 9 तारीख को नामांकन होने वाला है 2 या 3 बजे के आसपास में और नामांकन का सभा होने वाला है दोपहर 12 बजे दिन में 9 तारीख को, यानी कल। और आप लोग देख सकते हैं पवन सिंह द्वारा पुष्ट भी किया गया है, दोपहर 12 बजे दिन में स्थान प्रेमनगर हाई स्कूल मैदान अकोढ़ी गोला डेहरी। और इसी स्थान पे बहुत सारे कलाकार लोग आने वाले हैं, जैसे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कल्लू, गुंजन सिंह, अंकुश राजा, आर्यन बाबू, विजय चौहान, शिल्पी राज, शिवानी सिंह और भी कलाकार लोग वहाँ पे आने वाले हैं। और बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि खेसारी लाल यादव नामांकन के दिन जाएंगे या नहीं जाएंगे कराकाट। तो दोस्तों, आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि खेसारी लाल यादव नामांकन के दिन नहीं जाएंगे। खेसारी लाल यादव कन्फर्म जाएंगे लेकिन नामांकन के दिन नहीं जाएंगे। 9 तारीख के बाद ही खेसारी लाल यादव बिहार के कराकाट में जाने वाले हैं पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने, और ये बात खेसारी लाल यादव भी मीडिया में बोल चुके हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा पवन सिंह का चुनावी अपडेट। आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।